केमिकल इफेक्ट जो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड पे और क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिस थ्रू द लिक्विड. इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड एंड द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिस थ्रू द लिक्विड. द लिक्विड विच कंडक्ट करंट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट. मीन्स कि हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर सल्फेट जो हैं वो क्या हैं, इलेक्ट्रोलाइट हैं. क्यों? क्योंकि इनमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास कर सकती है. द मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ वायर आर रॉड आर प्लेट विच लीड द करंट इन टू एंड आर आउट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज इलेक्ट्रोड. अब मटीरियल्स जो कि वायर या रॉड की या प्लेट की फॉर्म में होते हैं जो कि करंट को इलेक्ट्रोलाइट के अंदर लाते भी हैं और बाहर भी ले जाते हैं, उनको इलेक्ट्रोड्स का नाम दिया जाता है. और वो टर्मिनल जो कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ अटैच होता है उसको हम एनोड का नाम देते हैं. और वो रॉड वायर या प्लेट जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होती है उसको कैथोड का नाम दिया जाता है. और वो वेजल जिसमें ये सारा प्रोसीजर होता है उसको वोल्टामीटर का नाम दिया जाता है. एज एन एग्जाम्पल वी विल कंसिडर द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. अब वोल्टामीटर कंटेन डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. द एनोड एंड कैथोड आर बोथ ऑफ फिगर. देखें ये हमारे पास वोल्टामीटर है, ठीक है, इसमें कॉपर सल्फेट जो है वो फिल किया हुआ है. अब ये जो है ये एनोड है और ये कैथोड है और ये दोनों जो हैं वो कॉपर की बनी हुई प्लेट्स हैं. When copper sulfate is dissolved in water, dissociates into copper and sulfate ion on passing through the voltmeter. अब जैसे ही copper sulfate में से जो है electricity pass की जाएगी तो वो copper और sulfate ion जो है उनमें convert हो जाएगा. और कॉपर के जो हैं कॉपर के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये मूव करेंगे कैथोड की तरफ मूव करेंगे. तो वहाँ से दो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने के बाद ये जो है कॉपर एटम में कन्वर्ट होके जो है डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड के ऊपर. जबकि इस तरह से जो है कॉपर जो है वो डिपॉजिट होता जाएगा कैथोड के ऊपर और जो सल्फेट आयंस हैं वो मूव करेंगे एनोड की तरफ. और एनोड से जो है कॉपर के आयंस जो हैं वो सल्फेट के साथ मिलकर दोबारा से जो है वो कॉपर सल्फेट बनाते जाएंगे. इस तरह से ये इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगा. और इसी तरह से कॉपर जो है वो कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होता रहेगा और इक्वली अमाउंट में जो है वो एनोड से डिसॉल्व होकर दोबारा से कॉपर सल्फेट जो है वो बनाता रहेगा. दिस एग्जाम्पल आल्सो इलस्ट्रेट्स द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग. अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ एक्सपेंसिव मेटल गोल्ड सिल्वर एटसेट्रा ऑन द आर्टिकल्स ऑफ चीप मेटल्स. मीन्स कि इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोसेस है ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग के काम आता है जिसमें हम किसी चीप मटेरियल की बनी हुई चीज़ के ऊपर जो है वो थिन लेयर चढ़ा देते हैं किसी एक्सपेंसिव मेटल की, गोल्ड या सिल्वर की.